अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था। कार्यसूची में था राष्ट्रवादी भावना का पैदा किया जाना, उसे गहन करना, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना। इस दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण कार्य था राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में जनमत का संगठन। दूसरा, देशव्यापी स्तर पर लोकप्रिय मांगों को व्यवस्थित रूप में रखना ताकि विकसित होता हुआ जनमत सारे देश का ध्यान आकर्षित कर सके। पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध देशवासियों और राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का जागरण। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सतर्क थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया में है। भारतीय राष्ट्रीयता धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी, अतः यह मानकर नहीं चला जा सकता था कि इसकी सिद्धि हो गई है। राजनीतिक नेताओं को क्षेत्र, जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गहराने और विकसित करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप में करना ही था। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आशा की कि वह देश के विभिन्न भागों के सक्रिय राष्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक छोटी सी शुरुआत करेगी। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों को इस दृष्टि से तैयार किया था ताकि वे भारतीय जनता को एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठनबद्ध कर सकें। संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनका साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। उन्होंने उस वक्त के आर्थिक शोषण के तीनों रूपों यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नज़र रखी। वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रितानी अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों को विकसित करने के ब्रितानी प्रयत्न का जोरदार विरोध किया। उन्होंने उपनिवेशवादी ढांचे पर खड़ी सरकार की प्रायः सभी आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली आंदोलन आयोजित किए। अलावा इसके उन्होंने आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पैरवी की कि भारत पर ब्रिटेन की आर्थिक अधीनस्थता कम की जाए, यहाँ तक कि उसे समाप्त कर दिया जाए। इस दौर के राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों और भाषणों में निरंतर की और उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण से जोड़ा। दादा भाई नौरोजी ने इशारा किया कि भारतवासी मात्र परजीवी दास थे, वे अमरीकी गुलामी से भी बदतर थे क्योंकि उनकी देखरेख उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती थी जिनकी वे संपत्ति थे। उन्होंने घोषणा की कि ब्रितानी शासन पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की निंदा की। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफ़ी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूंजीपति दब जाएंगे और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके शासन तंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मजबूत होगी। उन्हें यकीन था कि विदेशी पूंजी के निवेश ने न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने विदेशी पूंजी को देश से बाहर रखने के लिए सक्रिय प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय के रूप में प्रारंभिक दौर के इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जीवन के हर क्षेत्र को आधुनिक बनाने और खास तौर पर आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया। लेकिन तीव्रगामी उद्योगीकरण के लिए सरकार की सक्रिय सहायता और शुल्क से बचाव के लिए एक नीति की आवश्यकता थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वह वित्तीय रियायतें देकर सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंकों से ऋण और जमानत दिलवाकर तथा विदेशों से कर्ज प्राप्त करने और उसे देश में लगाने की व्यवस्था करके भारतीय उद्योग की सहायता करें, क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों में इस्पात और खान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी।
लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक था। अतः सरकार अपनी पूंजी लगाकर उस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दे। औद्योगिक व्यापारिक सूचनाओं के एकत्रण और प्रसारण तथा तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन राष्ट्रवादियों ने माध्यम के रूप में स्वदेशी के विचार को भी प्रचारित किया। सन 1877 के शाही दरबार में गणेश वासुदेव जोशी हाथ की बुनी विशुद्ध खादी की पोशाक में उपस्थित हुए थे। सन 1896 में महाराष्ट्र में एक प्रभावशाली स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने खुलेआम विदेशी कपड़ों की होली जलाई। राष्ट्रवादियों ने सन 1875 से 1880 के बीच आयात पर शुल्क खत्म करने और सन 1894 से 96 में रुई पर आबकारी कर लगा देने के लिए विरोध अखिल भारतीय स्तर पर सशक्त आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने और ब्रिटानी शासन के वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 28 जनवरी 1996 को पूना के केसरी ने लिखा, निश्चय ही भारत को एक विस्तृत चारागाह समझा जा सकता है जो मात्र यूरोपियों के चलने के लिए आरक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने विधानमंडल में सन 1896 में कहा, भारत ब्रिटानी सत्ता की शक्तिशाली बाहों में विदेशी खतरे से सुरक्षित है।